मालिक मकानदार साहब, मैं कल आपका किराया दे दूंगा, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई सुनेंगे भी नहीं। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, कमाल है, समझेंगे भी नहीं, देखिए देखेंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो जाओ फिर भाड़ में जाओ, कर लो जो करना है तुमने। सुनिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुझे पैसे की नहीं, तुझे अकल की जरूरत है। मैं तुमसे वही मांगूंगी जो तुम्हारे पास होगा ना। अच्छा सुनिए तो, एक लफ्ज मत बोलना तू, 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया हुआ और मुझे आज पता चल रहा। भूल गई, पैसे कहाँ गए? खर्च हो गए, मायके में दे दिए होंगे। देखो मेरे मायके का नाम जबान मत चलाना ज़्यादा तू। 15,000 रुपए लेके आता हूँ घर पे, सारे के सारे फूंक डालती है। कल टेलीफोन का बिल दिया है मैंने, बिजली का बिल अभी बाकी है और एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। आज तो तनख्वाह मिलने वाली है। मेरी तनख्वाह पे नजर मत रखना, शाम को लेके आऊंगा, एक पैसा मत मांगना बेवकूफ की पुत्र। पता नहीं कब तक ऐसे मर मर कर जीना पड़ेगा, काश मेरी भी एक लॉटरी लग जाती। हेलो, क्या? हाँ, मैं लिख लेती हूँ, भाटिया रिसोर्ट्स। अच्छा प्राइस मिला है, अमेरिकन, आज 7:30 बजे, डिनर भी है। थैंक यू वेरी मच, हम जरूर आएंगे। हाँ नहीं नहीं बच्चे नहीं है। थैंक यू भगवान, तुमने मेरी सुन ली। लो जरा देखो तो, कैसे पसर के सो रही है जैसे घर ना हो, जुरैसिक पार्क हो। अरे उठो उठ, उठो उठ मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, उठ। क्या हुआ? अरे होना क्या है, तू बता क्या हुआ, बड़ी सज धज के बैठी हुई है। हाँ आज तो कमाल हो गया, यू नो गुड न्यूज। अच्छा मायके जा रही है? अरे नहीं, उससे भी अच्छा गुड न्यूज। अच्छा शादी कर रही है दूसरी? ओफो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो भाटिया ड्रीम रिसोर्ट से फोन आया था, हमने टेलीफोन का बिल टाइम पर भरा था ना, इसलिए हमें अमेरिकन प्राइस मिलने वाला है आज। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। और तो और वहाँ डिनर भी है। अच्छा वेरी गुड, मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। अच्छा मैं भी आज सुबह से भूखी थी। अच्छा हाँ। अरे 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 7 बज गए, 7:30 का टाइम है, चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। अच्छा तो ठीक है फिर आ जा, पर ये तनख्वाह जरा मैं अंदर रख लूं। अरे नहीं नहीं वो बाद में रखना, अभी चलो ना लेट हो रहा है। चलो ठीक है चलते हैं भाटिया ड्रीम रिसॉर्ट्स की पार्टी में। भाटिया ड्रीम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल के लोकल कर्मचारियों, होटल बनाने के लिए पब्लिक से पैसा बटोरने की जो स्कीम हमने बनाई है वो फेल नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी फेल सर, मुझे लगता है अमेरिकन प्राइस की लालच में इंडियंस जरूर आएंगे और हम उन्हें उनकी औकात के हिसाब से होटल की स्कीम देंगे और पैसे ले लेंगे। लेकिन सर होटल तो बनना नहीं किया है। यही तो, पब्लिक से पैसा आए तो होटल बनेगा ना। इसीलिए तो पब्लिक को बुलाया है। अरे सर पब्लिक स्कीम देखने के लिए होटल के फोटो मांगेगी तो? ये देखो बड़े बड़े होटलों की फोटो खींच के लाया हूं, ये दिखा देंगे बस। तो सब तैयार, बच के न जाने पाए शिकार। ये तो बड़ी सही जगह लग रही है। हाँ। तो किससे बात करनी होगी? इस कोट वाले आदमी से पूछो। हाँ तुम कह रही हो तो कोट वाले आदमी से ही पूछ लेते हैं। ये एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ बोलो जी। क्या खोलूं? खोलिए मत बोलिए। क्या बोलूं? क्या बोलने वाले थे आप? जी मैं क्या बोलने वाले, मेरा नाम मुसद्दी लाल चंडोक है। हाय मिस्टर शुक्ला, हाउ आर यू मिस्टर चंडोक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैयान आपको कहीं देखा है? ये हो सकता है। लेकिन ये आपको कैसे पता? अभी आप बोल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ तो बोलिए। तो वो बोलूंगा मैं। हाँ जी वो अमेरिकन प्राइज निकला है, मेरी बीवी के पास फोन आया था कि अमेरिकन प्राइज निकला है। अच्छा अच्छा बीवी भी साथ आई? जी हाँ ये मेरी बीवी। ये आपकी बीवी है? जी हाँ। हाँ पहले तो होंगी। हाँ तो वो अमेरिकन प्राइस भाई, यहाँ से जब वहाँ जाएंगे ना, वहाँ उषा जी बैठी हुई है, उनसे जाके मिलिए, कृपया वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे भाई साहब। थैंक यू वेरी मच जी। चलो स्वीटी चलो, आप टेबल नंबर 2 पे बैठेंगे, पर उसके पहले पांडे जी के पास जाके फॉर्म फिलअप कर दो। ओके जी। हाँ ये बोलिए जी। मेरा नाम श्याम पुरोहित है। हाँ हाँ हमने टेलीफोन बिल भरा इसलिए अमेरिकन प्राइस। जी हाँ। ओके आप पांडे जी के पास जाइए। जी जी मैडम मेरा नाम अब बाद
में पहले गोला बनाइए जी, वहां बैठ के बनाइए जी। अच्छा आ जाओ जी। अब बोलूं? हाँ बोलिए जी। मैडम मेरा नाम मुसद्दीलाल चंडोक है, ये मेरी वाइफ हैं मिसेस स्वीटी चंडोक। हेलो। आज सुबह हमारे घर पे फोन आया था कि हमने टेलीफोन का बिल ठीक टाइम पे भर दिया है, इसलिए हमारा अमेरिकन प्राइज निकला। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और डिनर का भी कहा है? जी बिल्कुल, जिसे अमेरिकन प्राइज मिला है उसे डिनर भी तो मिलेगा। तो कैसे करें मैडम? ऐसे ही। ये गोले? हाँ। नहीं नहीं, मैं गोले के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था हम कैसे करें। मैं तो गोले के बारे में बता रही थी, ऐसे ही करें। हम यहाँ पे गोले बनाने के लिए तो नहीं आए। यही तो जी, मतलब दूसरा कोई कपल नहीं आता तब तक तो आपको ही। जी जी। अच्छा स्वीटी जल्दी जल्दी कर, हो सकता है ये कोई गेम हो और हम फर्स्ट आ जाए। किससे पकड़ना? मैडम मैंने ये लपेट दी। ओह गुड जी। अब आप हमारा वो अमेरिकन प्रेजेंट भी लपेटवा दीजिए। जी बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप पांडे जी के पास जाइए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म क्यों? वो आप दोनों की पूरी जानकारी के लिए, उस हिसाब से तो प्राइज मिलेगा ना। अच्छा अच्छा मिलेगा, लेकिन प्राइज नहीं प्राइजेज मिलेंगे। लेकिन पहले ये तो पता चल जाए कि आप कौन से प्राइज के लिए आए। ओके मिस्टर मुसद्दीलाल चंडोक। जी हाँ। ये चंडोक क्या होते हैं? हिंदू होते हैं जी, इंडियन होते हैं। आई एम एन इंडियन। आपकी बीवी भी चंडोक ही है या? अरे मैं चंडोक हूँ तो मेरी बीवी भी चंडोक ही होगी ना, गंडोक तो हो नहीं सकती। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो भाई ठीक से सवाल पूछिए ना। आप भी ठीक से जवाब दीजिए वरना कहीं प्राइस ना कैंसिल कर दे। ठीक ठीक जवाब दो ना। ठीक पूछिए। आपके पिताजी का नाम? जी मुसद्दीलाल चंडोक सीनियर। वो भी हिंदू हैं? जी हाँ। आपके पिताजी कुंवर हैं या शादीशुदा? जी एक्चुअली कभी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई मेरी, कभी उन्होंने। क्या 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 कह रहे हैं आप है? मेरे पिताजी बिल्कुल शादीशुदा हैं और ये किस तरह के बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप? देखिए ये अमेरिकन प्राइज का सवाल है, चाहिए या? पूछिए पूछिए अपना। काम क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ। कहाँ रहते हैं? ये 5 नंबर मकान गुरुद्वारे के पीछे। आपका घर बड़ा या? बड़े से क्या मतलब है आपका? देखिए हमने बड़ा प्राइज दे दिया और घर छोटा निकला तो, और छोटा प्राइज दे दिया घर बड़ा निकला तो। जी हमारा घर तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब हमारा जो हॉल है समझ लीजिए 3 कमरे मिला के इतना बड़ा हॉल है। शौक क्या कहें आप? ये अच्छा खाना और अच्छा पहनना। छुट्टियों में घूमने जाते हैं? अरे कहाँ जा सकते हैं, इतनी महंगाई में तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। सस्ती स्कीम मिले तो जाओगे? हाँ जरूर जाएंगे। आप वहाँ जाओगे? वहाँ कहाँ? वो 5 नंबर टेबल पे भाटिया जी बैठे हैं वहाँ। वहाँ प्राइज मिलेगा? नहीं। अरे तो वहाँ क्यों भेज रहे हैं? वहाँ भेजिए ना जहाँ प्राइज मिलेगा। वहाँ भी वही भेजेंगे। एक कमाल है। बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पे आए, ये हमारी खुशकिस्मती है। अरे नहीं आपकी खुशकिस्मती नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। प्राइज कहाँ है? वो तो है लेकिन हम आपको यहाँ से डिनर किए बगैर नहीं जाने देंगे। डिनर किए बगैर तो हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। लेकिन प्राइज लेने से पहले डिनर कर लेते तो अच्छा था, वरना प्राइज कैसे संभालेंगे, कैसे डिनर करेंगे? प्राइज कैसे संभालेंगे? क्यों स्वीटी? हाँ जी मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है तो डिनर पहले कर लेते हैं। कहाँ है? आता है ये आ गया। ये डिनर है? नहीं नहीं नहीं, ये तो लुक आफ्टर द गेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है मिस्टर पटेल। हेलो पटेल साहब, भाई इनको डिनर कराइए। जी खाने में क्या लेंगे सर? क्या क्या है? जी जो आप बोलें, जो आप सोचें, और जो आप ना बोलें, जो आप ना सोचें, सब कुछ है। क्या लाऊं सर? अच्छा जो मैं ना बोलूं और जो मैं ना सोचूं उसकी एक एक प्लेट ले आइएगा। आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं मैंने, आप खाइए थोड़ा सा हमारे साथ। अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो ऑर्डर डबल कर दे भाई। जी अभी लाया। भाई वाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। थैंक यू वेरी मच कि आपको ये पसंद आया। अरे इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा तो पसंद क्यों नहीं आएगा? अगर आपको ये पसंद आया तो आपको ये भी जरूर पसंद आएगा। ये क्या है? ये हमारे भाटियाज ड्रीम रिजॉर्ट इंटरनेशनल होटल्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा कमाल है भाई। ये देखिए ये भाटिया ड्रीम रिजॉर्ट मनाली में है, ये भाटिया इंटरनेशनल दार्जिलिंग में है, और ये देखिए ये है आपका भाटियाज बहार कुल्लू में। कुल्लू में? भाई गॉड कमाल है भाई, ये तो कमाल है। आप यहाँ पे जाना चाहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो जन्नत है जन्नत। अरे भाई हमारी एक स्कीम है, अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो आप हर साल यहाँ जा सकते हैं फ्री। फ्री? अच्छा। हाँ, एक हफ्ते के लिए। वैसे आप जाएंगे तो आपका 25-30 हजार रुपए खर्चा होगा, लेकिन हमारी मेंबरशिप तो सिर्फ 5 हजार रुपए में है।
क्या? हाँ बिल्कुल, कौड़ियों के भाव है और साथ में अमेरिकन प्राइज जीतने का चांस भी है। क्या? हाँ। चलो जी जल्दी से ले लो। नहीं नहीं पर ले लो ना। नहीं मगर ना 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 भाभी ना, जबरदस्ती मत कीजिए। अगर भैया नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अमेरिकन प्राइज लीजिए, डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए और जाइए घर। नहीं नहीं ओके दे दीजिए। सोच लीजिए। नहीं नहीं सोच लिया मैंने। पैसे आज ही देने पड़ेंगे? हाँ पैसे आज ही दे दूंगा। कैश लेके आए हैं? जी हाँ, आज ही तनख्वाह मिली है ना 15,000 रुपए। लाइए 5,000 रुपए। एक सेकेंड, गड्डियों में ये लीजिए 5। मुबारक हो, मुबारक हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाटिया ड्रीम रिजॉर्ट इंटरनेशनल के पहले मेंबर हैं मुसद्दी लाल चंडो, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। ये साइलेंस साइलेंस, ये हमारे रिजॉर्ट्स के किसी भी होटल में हर साल 7 दिन 7 रात के लिए जा सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपए में। तालियां। भाई मुबारक हो मुसद्दी जी, बहुत बहुत मुबारक। इट्स ओके। शुक्ला जी जी सर, भाई इनका फॉर्म भरवाइए और इनकी फोटो खींचिए और इनको मेंबरशिप कार्ड दीजिए। अभी मिल जाएगा? हाँ अभी जाइए ना, आइए ना। कम स्वीटी कम। ओके भाभी, ओके भाभी। अरे ये साहब कहाँ चले गए? अबे कहीं भी गए हो, खाना रख दे, भूख लगी बड़ी जोर से। चल ओके रख, चल निकल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी शुक्ला जी, ये कैमरा ले जाइए, हम फोटो उठा दिए, आप कार्ड बना दीजिए प्लीज। जी अभी लाते हैं। हाँ को मुखगु आगो। अरे मुसद्दी लाल जी, किसको कह रहे हो? मुसद्दी लाल नहीं, मुसद्दी लाल बोल रहा हूँ। कहाँ जाना चाहेंगे आप सर? जहाँ हमारा मन जाएगा वहाँ जाएंगे। मतलब ऑल ओपन? तो मतलब कैसे जाना चाहेंगे, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय पैदल? ये तो उसी वक्त डिसाइड करेंगे सर। अगर अभी डिसाइड कर लेते हैं ना तो 25% डिस्काउंट मिलता। मतलब? मतलब भाटिया ट्रेवल की तरफ से हम मार्केट प्राइस से 25% डिस्काउंट करते हैं ओनली फॉर मेंबर्स सर। अच्छा? हाँ सर, और लकी ड्रॉ भी है जिसमें एक और अमेरिकन प्राइज मिल सकता है भाभी जी। क्या लीलू जी? हाँ हाँ तो ले लेते हैं। 5,000 सर। 5,000? हाँ मतलब उसमें खाना पीना मिला के सब सर। ओके ठीक है, 5,000 है तो ये लीजिए 5,000। ओके थैंक यू। अरे पान थूक के बात कीजिए, क्या कह रहे हैं किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। ताली बजा भाई। पर ये लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं, इनको बता तो दीजिए। अरे महाराज आप ताली सुनिए ना, हाथ काहे को गिन रहे हैं आप? फर्स्ट मेंबर ऑफ भाटिया ट्रेवल्स। सर ऐसी भाटिया ट्रेवल एजेंसी नाम की हमारी कोई एजेंसी है भी क्या? यार हमारे पास बस तो क्या, एक स्कूटर भी नहीं है सर। ये शुक्ला पिटवाएगा सर। जी हाँ बाबू जी, आपको जहां भी घूमने जाना हो आप जाइए, सिर्फ इस नंबर पर डायल कीजिए, मेंबरशिप नंबर बताइए, हम बुकिंग कर देंगे, आप घूमने जा सकते हैं। पर मेंबरशिप नंबर कहाँ है? अभी देते हैं, मैडम कार्ड लाने वाली हैं। ये लीजिए आपका कार्ड सर। वेलकम टू भाटिया ड्रीम रिसोर्ट। थैंक यू सर। आपने क्लब मेंबरशिप की तो कार्ड ली नहीं सर। वो भी है, यही तो कितने सारे शहरों में भाटिया ग्रुप ऑफ होटल इंटरनेशनल के क्लब है। भाटिया क्लब, भाटिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भाटिया क्लब हाउस, हाउस ऑफ भाटिया क्लब वगैरह वगैरह, स्विमिंग पूल से लेकर सारी चीज की व्यवस्था उपलब्ध है सर। यही तो, साथ में अमेरिकन प्राइज लकी ड्रॉ में। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना अपने पास। सर ले लीजिए सर, तीसरा भी नंबर निकल सकता है सर। नहीं नहीं पर अरे इसकी मेंबरशिप तो इतनी सस्ती है कि पूछो मत, ओनली 5,000 पर ईयर। क्या ये तो ले लो ना। ले लीजिए सर, भाभी जी स्विमिंग करेंगे। अरे नहीं नहीं, एक बार ये स्विमिंग पूल में कूद पड़ी थी, पूरा का पूरा पानी बाहर आ गया था। पर हमारे स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है। क्या? हाँ सर अभी नया नया बनाया ना, तो भाटिया साहब पानी भरवा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। नीलो ना, आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। पैसे कहाँ है? आज ही तो तनख्वाह मिली थी। हाँ तो पूरी की पूरी लुटा दूँ? ले लीजिए सर, मेंबरशिप कार्ड होना स्टेटस सिंबल है सर। यही तो, सोसाइटी में नाक ऊंची करके घूमोगे? अच्छा तो बजवा दूं ताली। तो ठीक है, ये फिर लास्ट टाइम, ये लीजिए। दोस्तों मुसद्दी लाल चंडो भाटिया ग्रुप ऑफ क्लब के पहले सदस्य हैं। तालियां। अबे पटेल, हमारा क्लब कब खुला? पता नहीं।
बुलाओ इसको वरना ये शुक्ला पता नहीं क्या क्या खुलवा देगा, जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी सर, खाना ठंडा हो रहा है सर। हाँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। सर अगर आप भाटिया रेस्टोरेंट ग्रुप के सदस्य होते ना तो आपको खाना फ्री में मिलता सर। नहीं नहीं, बस अब और पैसे नहीं है मेरे पास, वैसे भी खाना खाना है, वो मेरा कार्ड दे दीजिए। हाँ हम कार्ड लाते हैं, आप खाना खाते हैं, फिर हम आपको हॉस्टल लाते हैं। शुक्ला जी। हाँ जी। कितनी मेंबरशिप बेची? ले लो टॉप, भूल ही गया मैं तो। Please be seated, sir. Thank you. Thank you, thank you. खाइए सर। क्या? खाना सर। कहाँ है? ये आपके सामने तो है खाना सर। ये है नहीं, था। हाँ मतलब जो भी है अब तो यही है सर। ये तो ये खा गए। सॉरी सर, वो आप लोग वहाँ बिजी थे तो ये खाना ठंडा हो रहा था और खाने की इंसल्ट मुझसे देखी नहीं जाती। आप दूसरा ऑर्डर दे दीजिए। रिपीट ऑर्डर। यस सर, पहले पहले वाला बिल सर। कैसा बिल? डिनर का सर। डिनर का? पर डिनर तो आप कराने वाले हैं ना? हाँ सर, हम कराने वाले हैं, मतलब कराने वाले थे, पर करने वाले तो आप थे ना सर। तो पैसे पैसे कैसे? कहा था ना डिनर कराएंगे। हाँ हाँ कहा था। ये तो हम अब भी कह रहे हैं, डिनर है। कहाँ है? किचन में, पर उसे यहाँ लाने के पैसे लगते हैं सर। क्या? जी हाँ, आपका बिल अमाउंट है आई थिंक 708 rupees and 50 paise ओनली। इतना महंगा? जी सर। अरे पर ये तो इन्होंने खाया ना, तो इनसे पैसे लीजिए आप। अरे आपने तो कहा था आप भी खा लो। मैंने तो कहा था जरा सा खा लेना, आप तो पूरा का पूरा खा गए। मेरे लिए तो ये जरा सा ही था। सॉरी टू से सर, बट आई एम गेटिंग लेट, आपका रिपीट ऑर्डर भी लाना है सर। नहीं चाहिए मुझे। ओके तो पहले पहले वाला बिल सर। और मैं नहीं दूंगा सर, आई एम सॉरी, मगर फिर मजबूरन हमें आपका अमेरिकन प्राइस कैंसिल करना पड़ेगा सर। हाँ, वो प्राइस जिसे लेने के लिए आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं भाभी। हैंडल कर दो। क्या? देखिए भाभी, सर को समझाइए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो ये खाने का बिल भरेंगे या तो नहीं भरेंगे। भरा तो ठीक, नहीं भरा तो दो बातें होंगी, या तो अमेरिकन प्राइस कैंसिल किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है किया जाएगा, और नहीं किया गया तो दो बातें होंगी, या तो दूसरा अमेरिकन प्राइस निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं निकला तो दो बातें होंगी, या तो जिंदगी भर आपको पछतावा होगा या तो नहीं होगा। तब क्यों पछताना, अभी पश्चाताप कर लीजिए सर। देखो भाई, बात यह है कि मेरे पास बस ये आखिरी बचे हुए 650 rupees हैं बस। No problem sir, 58 rupees 50 paise मैं अपनी जेब में से डाल दूंगा। I keep on donating occasionally. सर अगर आपने भाटिया ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड लिया होता तो आपको और डिस्काउंट मिलता, लेकिन खैर anyway, ये रहा आपका मेंबरशिप कार्ड। जी थैंक यू। अब भाई वो अमेरिकन प्राइस दिलवाइए ताकि हम घर जा सकें। अब आपको रोक के फायदा भी क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे भाई पांडे जी अनाउंस कीजिए भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज की शाम की अमेरिकन प्राइज के पहले विनर हैं मिस्टर एंड मिसेज छोटा चेतन। थैंक यू। और आज के दूसरे विनर हैं मिस्टर एंड मिसेज खुराना। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के तीसरे और आखिरी विनर हैं मिस्टर एंड मिसेज मुसद्दीलाल चंडोक। बड़ा भारी है। अमेरिकन प्राइस है। अरे इसे खोले? नहीं नहीं, घर जाके खोलेंगे। नहीं नहीं, मुझे रहा नहीं जाता, अभी खोलो। अच्छा ये पकड़, तू इसको पकड़। अरे तू ये डब्बा है। अरे अभी खोलो खोलो, ये डब्बे को भी खोलो। अरे इसके अंदर तो एक और डब्बा है। ये भी इसके अंदर एक बहुत अरे ये
क्या ये टॉफी, ये इतना छोटा सा ये अमेरिकन प्राइज है? लगता तो है। चुप भाटिया जी, ये क्या है? अमेरिकन प्राइज? क्या ये टॉफी? हाँ। अरे दिमाग खराब हो गया आपका क्या? ये अमेरिकन प्राइज कैसे हो सकता है? सर ये प्राइज है कि नहीं सर? हाँ प्राइज तो है, पर ये अमेरिकन कहाँ है? अरे गौर से देखिए, ये टॉफी अमेरिकन है कि नहीं है? अरे हाँ है तो अमेरिकन। तो बस हो गया ना अमेरिकन प्राइज। यही तो, गिव हिम अ बिग हैंड। इस टॉफी को खाना मत, हम अपने होने वाले बच्चों के लिए ना बचा के रखेंगे। क्यों? उनको बताएंगे ना कि 15,650 रुपए की टॉफी कैसी होती है। कैसी होती है? ऐसी होती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।